मकसद था, ये चारों ओर सांडा एक जानवर है जो रेप्टाइल है, गो है, छिपकली है, बड़ी एक किस्म की, जिसे कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में लोग क्या करते हैं कि उसका गलत उपयोग करते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही शांत और शरीफ जिसको कह सकते हैं वो एक जानवर है। और ये सामने देखिए बहुत सारी, एक साथ इतनी सारी खेजड़ी आपको शायद देखने को मिलेगी। खेजड़ी यानी कि जांटी, जांटी यानी कि जिसे सनातन धर्म में या पूज्य माना गया है, जिसके हवन वगैरह में यूज होती है। और ये सामने देखिए एक मेल, डोमिनेंट मेल काला, जिसे कृष्ण मृग कहते हैं, वो सामने आपको दिखाई देगा। और ये पूरी की पूरी एक कॉलोनी है जिसमें बहुत सारे हिरन यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे। हम थोड़ा पास चलने की कोशिश करते हैं, हो सकता है वो आगे चले जाए, लेकिन ये सामने ये देखिए ये काला हिरन है, जिसके लिए ये ताल छापर जो कृष्ण मृग अभयारण्य है यानी कि ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से मशहूर है। ये पूरा का पूरा ग्रुप इधर है, जैसे ही हमने वीडियो बनाना शुरू किया ये चले गए। ये देखिए जांटी के कितने पेड़, और बहुत ही सुनसान इलाका है। इस समय लगभग शाम के 7:30 होने को है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और दूसरे जो रात को निकलने वाले जानवर है, जैसे लोमड़ी है, दूसरे जानवर है, वो यहाँ निकलने शुरू हो जाएंगे। और अभी ये हिरण अपने सुरक्षित स्थान पर जहाँ इन्हें रात बितानी है वहाँ धीरे धीरे एक जगह जा रहे हैं। और चारों तरफ बहुत ही सुनसान इलाका है, इतना सुनसान इलाका है कि यहाँ आपको लगभग 20-25 किलोमीटर जाने के बाद चारों तरफ कोई कस्बा दिखाई देगा। तो वो सामने हम पीछा कर रहे हैं, इतना हम आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। पक्षी भी आना शुरू हो गए हैं, ये देखिए सामने ये पूरा का पूरा वो सामने कंटीली झाड़ियों का जंगल है, किक्कर का। मरे हुए जानवर फेंके जाते हैं इधर, साफ कर देते हैं। जो मुर्दा खोर जानवर है वो इनको शायद ये किसी ऊँट का खाल है, उन बीच में से साफ कर देते हैं। भोजन की उपलब्धता है, चाहे वो मुर्दा खोर है चाहे वो कोई दूसरे हैं, सबके लिए। ये एक ये सामने देखिए, ये देखो पक्षी आना शुरू हो गए अपने घोंसले में, और ये चले जाएंगे जंगल में। सामने हम जिन हिरणों का पीछा कर रहे हैं ये जंगल में जा रहे हैं धीरे धीरे। जंगल ही है, जंगल में क्या जा रहे हैं, ये घनी झाड़ियों में या कहाँ जा ही इनका, हमने इनको डिस्टर्ब कर दिया है। बाकी ये वहाँ बैठ गए थे एक जगह, हमने इनको डिस्टर्ब कर दिया है। हमें भी अब जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। ये किसी ने कोई पूज्य स्थल बना दिया है चार दीवारी करके, और हमें भी अब जल्दी से निकलना होगा क्योंकि अंधेरा होने से पहले रास्ता कच्चा है। हम मुख्य सड़क पर पहुंच जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, और दूर दूर आपको बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बादल भी है, ऊपर आंधी है, मिट्टी चढ़ गई आसमान में, थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी। लेकिन ये अगर आप सुनसान जगह और जंगली इलाके में या जंगल में घूमने के शौकीन हैं तो ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है जो आपके करेज को बढ़ा सकता है। इस तरह की यात्राएं बहुत ही शानदार हैं।